जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंगूरी जी, आप ब्रेकफास्ट नहीं लाए क्या? नहीं, हम तो चाय और बिस्कुट लाए थे, वो दे दिए। अब मुझे लगा आप लाई हैं, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई ऐसी बात नहीं। आप कहीं जा रही हैं क्या? अब हाँ, मैं विभू के जॉब पर जा रही हूँ। भाभी जी देखिए, हमने भभूति जी के सामने अपना विरोध व्यक्त किया था कि आपका सौतेला के ऑफिस में जाना ठीक नहीं है। क्यों, वो सौतेला मुझे खा जाएगा क्या? भाभी जी, वो सौतेला की औकात नहीं है कि आप जैसी महान हस्ती से काम करवाए। अब भभूति जी उसके गुलाम है, ये चाहे उसके गुर्दे सहलाए या उसके तलवे चाटे। शट अप, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नौकरी करने वाला हर आदमी के अपने बॉस के गुर्दे सहलाता है या तलवे चाटता है। अब ऐसे अनीता जी, आप काहे भभूति जी के जॉब पर जा रही हैं? उनका जॉब है, उनको जाने दीजिए। भाभी जी चला जाता अगर रॉकी मुझे जाने देता तब। दोनों भाभी माओं को प्रणाम, डीडी प्रणाम। अबे भाई, इस पगलेट को लेके कहाँ घूम रहा है? डीडी पगलेट ये नहीं है, पगलेट मैं हूँ। अरे मैं उसी से पूछ रहा हूँ भाई कि तेरे जैसे पगलेट को अपने साथ लेके कहाँ घूम रहा है? आई लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट सक्सेना जी। क्यों, क्या हुआ भाई माँ? आपके रॉकी की वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया है। मैं जानता हूँ भाई माँ। आप तो जानते हैं तो कुछ करते काहे ना आए हैं? क्या सोल्यूशन है इन दोनों को जिंदगी भर ये खंबे पे तो नहीं चढ़े रहने दे सकते ना? आ सच्ची, फिर वो हमरे लड्डू के भैया हल्के होने कहाँ जाएंगे? असल में भाभी माओ, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने रात भर इस बारे में सोचा और मैंने एक आइडिया निकाला है। का? भाई माँ, असल में बात यह है कि विभूति भैया और तिवारी भैया को लेकर मेरे रॉकी के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भर गई है, और किसी भी तरह से रॉकी के मन में जो नफरत भरी हुई है ना, इस नफरत को कम करना बहुत ज़रूरी है भाई माँ। कैसे करेंगे? भाई माँ, मुझे लगता है कि अगर विभूति भैया और तिवारी भैया मेरे रॉकी के रिश्तेदार बन जाएं, तो इसके मन में जो नफरत है शायद वो नफरत प्यार में बदल सकती है। नहीं तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं रॉकी को अपना साला बना लें? नॉट इडी नो, मेरे रॉकी को इनका जीजा या साला बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या फूफा बनने में इंटरेस्ट है? नहीं भैया, फूफा बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई माँ। असल में बात यह है कि मेरा रॉकी अभी बैचलर है। आपको मैं क्या बताऊँ, युवावस्था में है ना। आप तो समझ सकती हैं कि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कि सबको एक साथी की जरूरत पड़ती है भाई माँ, है ना। अरे 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 अरे, दीवानी सीधी खड़ी रहे यार। अबे ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ऊपर हो रहा है। अबे हो विभूति, अबे हो कच्चा बनियान, तुम दोनों वहां क्यों टंगे पड़े हो? ये सब रॉकी की मेहरबानी है, लेकिन तू बता तूने ये कब पाली? अबे ये मेरी बीवी मैं कैसे लाई है? ओ, इसका मतलब ये तेरी साली हुई। आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब इसके पंजे पीले कर दूं और इसकी मैं विदाई कर दूं। पंजे पीले, आई लाइक इट। अरे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ये प्रेम है ना प्रेम, ये मेरे छोटे भाई जैसा है और इसकी साली मेरी साली। अरे तो प्रेम जी हमारे भी तो छोटे भाई जैसे हैं। बात कर रहे ना, कर रहे ना बात। तो मैं और तिवारी जी अपनी साली दीवानी के लिए आपके रॉकी का हाथ मांगते हैं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? रुकिए मैं रॉकी से पूछता हूँ। रॉकी बेटा सुना, तुम्हें विभूति भैया और तिवारी भैया की साली दीवानी के साथ लगन मंजूर है क्या? रॉकी तो हनीमून मनाने की फिराक में है। I said, may I come in? Oh, yes, 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 yes. Come in. Come in, Miss Anita. I'm sorry, sir, but मैं Miss Anita नहीं, Mrs. Anita हूँ। Oh,
लेकिन आप मिस लगती हैं। इन सब बातों के चक्कर में आप एक चीज मिस कर रहे हैं सर, आपकी चाय आपकी टेबल पर फैल चुकी है। Oh my God. I'm so sorry. सर, आपके कपड़े खराब हुए हैं, आपका टेबल गंदा हुआ है, आप मुझे क्यों सॉरी कह रहे हैं? पता नहीं कल से सब कुछ मेरे साथ उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है। जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। Really? और जब भी मैं किसी ऐसे आदमी को देखती हूँ जिसका दिमाग खराब है तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। अच्छा, मेरा दिमाग खराब है, आप ठीक कर दीजिए ना। रहने दीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, आई इंसिस्ट, प्लीज मेरा दिमाग ठीक कर दीजिए ना। आर यू श्योर? यस। फाइन, एज यू से। यस। आई एम श्योर अब आपका दिमाग ठीक हो गया होगा एंड आई होप आगे कभी खराब नहीं होगा सर। हेलो बॉस। बॉस, मामला अब जरा टाइट हो गया है। अपनी टाइटनेस को अपने अंदर समेट कर रख। यू आर फायर्ड। क्या कहा? यू आर फायर्ड। फायर कर रहा है। मैं पूछता हूं हायर कब किया था इसने? कश कभी उड़ा फिर पैक बनाओ। आई लव यू। किस्मत में नौकरी है ही नहीं है। अरे लाओ भाई, मिठाई का डब्बा देने के लिए भी मुहूर्त दिखवाओ क्या? नहीं नहीं, ये तो हम दे ही देंगे सर। हेलो सर, खोडू झा दिस साइड सर। अबे खोडू झा, सुना है कानपुर वालों से बहुत माल कमा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। शहर के 3 व्यापारियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि तुम उनका लीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल बताकर उसे तोड़ने पहुंच जाते हो और डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलते हो। अरे नहीं 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 सर, वो अबे खोडू झा, यू आर फायर्ड। शिवा उठा ले। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।